दो दिल मिले तो फूल खिले और दिल से निकले SMS दिल से SMS दिल से SMS दिल से। नमस्कार, सलाम, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल महुआ प्लस के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है SMS दिल से, और मैं हूँ आपके साथ अंकिता थपलियार। वैसे तो SMS का मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस से होता है, लेकिन इस शो में SMS का मतलब है सोल मीट सोल, यानी आत्मा से आत्मा का मिलन, दिल से दिल की मुलाकात। हाँ, ये मुलाकात के जरिया आपकी मैसेज जरूर होला और होके भी काहे ना, ये प्यारा प्यारा मैसेज के आप दिल से जे भेजी ला जा, इन्हन के हम पढ़ी ला भी दिल से ही, और यही से आप हम सब मिलके कहिला जा SMS दिल से। आज भी आपके ढेर सारे मैसेज हमें मिले हैं, और पता है आज भी आपके दिल की ही बात होगी, आपके दिल से मुलाकात होगी, क्योंकि आज का दिन है बहुत खास। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगी कि किसका दिल से भेजा गया मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक। लेकिन कौन है वो लकी विनर, कौन है वो खुशकिस्मत, ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आई जब बारी अपन साफ कलाकारी, जान तो मैं लगा अपन साहब कलर करी, जन तो हमें लगा के सलमाटी देले होई कुम्हारा, किस्मत हमार भाईल तो हारो से प्यार बनी मन में बसा। चलिए अब इस खूबसूरत शुरुआत के बाद आइए अपने कार्यक्रम का भी आगाज करते हैं, और सबसे पहला मैसेज जो हमें भेजा है वो भेजा है सीतामणि से, और अभिषेक ने भेजा ये मैसेज, और इन्होंने अंकिता थपलियाल को, ये अंकिता थपलियाल, हाँ इन्होंने तो ये मेरे लिए मैसेज भेजा है, वाह। तो देखती हूँ उन्होंने आखिर क्या लिखा है। ये लिखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ओ माय गॉड, और आपके मैसेज पढ़ने का तरीका लाजवाब है। आप जब मैसेज पढ़ती हैं तो लगता है कि आप किसी और का मैसेज नहीं बल्कि अपने दिल की ही बात हमसे कह रही हैं। ये शो सिर्फ हम आपके लिए देखते हैं, ऊपर वाला आपको सलामत रखे और आप यूं ही हमें एंटरटेन करती रहे। वाह, क्या बात कही अभिषेक, तारीफ के लिए वैसे शुक्रिया, लेकिन इस तारीफ के ना सच्चे हकदार आप लोग हैं।
जो इस शो को इतना प्यार देते हैं, हमें दिल से मैसेज भेजते हैं जो हमारी रूह को छू लेते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप यूं ही हमें प्यार करते रहें। और इसका सबसे अच्छा तरीका पता है आपको क्या है? कि आप यूं ही अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिल से हमें भेजते रहें। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये अगला गाना आपके लिए। तोहरा बहिया में आके बिखर जाइले, तू छुए ला हमके त हम निखर जाइले। जब प्यार से तू देखे लाए राजा, राम कसम साचो में सवर जाइले। सुघर रूपवा तोहार लागता कमाल के, सुघर रूपवा तोहार लागता कमाल के। राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के, राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के। रेशम के डोरियस सवरले बाड़े बाल के, रेशम के डोरियस सवरले बाड़े बाल के। राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के, राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के। मद भरा महक गुलाब के आए, छुई मुई के जसे सर मिली तो हरियादा, हमारा के जान तड़े पावे। प्रीत के तो हरा दिल पे हमारा गजबेनु असर भय, जब से तो हो से प्यार भइल बा। राजा किस्मत सवार गइल बा, परियन के साचवा में तोहरा के ढाल के, परियन के साचवा में तोहरा के ढाल के। राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के, राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के। याद करके हमार चूड़ी खनके, बिन बजवले हमार पाँव के पायल छनके। इंतजार बाओ दिन के ए राजा, कब ऐबा हमरा मांग के सिंदूर बनके। हमारे ही खाती तो है लागत ऐसन मोहे, धरती प भेजल विधाता। संग मर मर जसे मूरत से जुड़ले, जन्म जन्म के नाता। हद से बढ़ के जान से ज्यादा तो हसे प्यार करी, रखल
चल रहल हमरे खाती दोह के संभाल के रखल रहल हमरे खाती दोह के संभाल के राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के राम जी बनवले बाड़े फुर्सत निकाल के। वेल अभिषेक के साथ साथ मैं तमाम लोगों को बता दूं जो इस शो को देखते हैं, प्यार करते हैं, प्यारे प्यारे एसएमएस हमें करते हैं, इस शो के असली हीरो ना, इस शो की जान आप लोग हैं। आपके भेजे गए प्यारे प्यारे एसएमएस हैं और आपके इन मैसेजेस ने ही तो इस प्रोग्राम को बनाया है टीवी की दुनिया का नंबर वन शो। धत्तेरी बाज गए घंटे, बाकी कहीं मत जाई, मैं बस यूं गई और यूं आई। देखत रही एसएमएस दिल से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार व्हाट्सएप के खास प्रोग्राम एसएमएस दिल से में। और अब आगे बढ़ल जाब और अगला मैसेज आया है मंजू के जे भोजपुर से भेजले बाड़ी। ये लिखले बाड़ी की मेरी शादी पिछले साल हुई लेकिन मेरे पति मुझसे कुछ खिंचे खिंचे से रहते हैं। मेरी गलती क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं उन्हें प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करें। मैं तो बस उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे जियादा चाहे मुआदा तोरे भरोसे बानी क्रिया खियाला। वाकई मुझे बहुत दुख हुआ आपकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर। कितने लकी हैं आपके पति, कितने खुशकिस्मत हैं आपके पति, कितनी इतना प्यार करने वाली बीवी उन्हें मिली है जो उन्हें दिल से चाहती है, दिल से प्यार करती है। लेकिन हाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पर गलती आपकी नहीं आपके पति की है जो हम इतना प्यार करे वाली पत्नी की अपेक्षा कर रहल बाड़न। बाकी आप टेंशन मत ले, उनके ऊपर आपकी प्यार के एहसास हुई और बहुत जल्द हुई, वो आपसे फिर खूब प्यार करी है। हर चला आपके और आपके प्यार की सलामती के खातिर ही गोए प्यारा सा गाना। Thank you.
मजा आई गोरी मैं न लड़ाबा दिलवा के तार आपन हमसे मिलाबा हो बड़ा मजा आई गोरी मैं न लड़ाबा दिलवा के तार आपन हमसे मिलाबा चुनार में गोरी चुनार में चुनार अजीब सी बात है ना, जिन्हें प्यार नहीं मिलता वो प्यार के लिए तरसते हैं और जिन्हें मिलता है वो कदर ही नहीं करते हैं। चलिए मैं आशा करती हूँ कि मंजू की जिंदगी में भी प्यार आए और जो वो चाहती है, जो उनकी उपेक्षा है अपने पति से, वो जरूर पूरी हो। और फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगला मैसेज जो हमें आया है वो देवघर से आया है। भेजने वाली है रजनी। इन्होंने लिखा है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसकी नजरें बदल गई है। वो अब मुझसे कतराने लगा है, उसकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हूँ, उसको भूल नहीं पाती। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। दिल टूटने का दर्द क्या होता है, ही कौनो दिल जला से पूछ के देखा जा सकेला, दिल धुआं धुआं हो जाला। रजनी, आपके इस दर्द को ना मैं समझ सकती हूँ। प्यार की बेरुखी कितनी भारी पड़ती है ये वही बता सकता है जिसने मोहब्बत में चोट खाई। लेकिन निराश ना हो, कोई ना कोई राह आपको भी जरूर दिखेगी। आपका प्यार आपको जरूर हासिल होगा। आपके लिए एक शेर अर्ज है, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयसर तो आरजू ही सही। तो
प्यार करके मुकर जाना बहुत बड़ी खता है। हाँ, ये जो बीच में जो घंटी बजती है ना, ये भी बहुत बड़ी खता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए आपका फेवरेट शो SMS दिल से। बहुत बहुत स्वागत बार हुआ सबके फेवरेट शो SMS दिल से में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके दिल से भेजे गए SMS मैं यहाँ पर लगातार पढ़ रही हूँ, आपके दिल की बात उनके दिल तक पहुँचा रही हूँ। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज, जो कि भेजले बाड़े बालक सिंह आरा से। इन्होंने लिखा है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे दो बच्चे भी हैं। 2 साल पहले मुझे एक महिला से प्यार हो गया, वो भी शादीशुदा है। अब शायद उसके पति को हमारे संबंधों पर शक हो गया है, हमें डर भी लगता है, लेकिन हम दूर भी नहीं होना चाहते। क्या कहूं मैं आपसे, आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं, और ये प्यार तो कतई नहीं है। फिलहाल अब मैं आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको समझाई है उनको आप जरूर समझेंगे, उन पर विचार भी करेंगे और अपने परिवार को एक सूत्र में पिरो कर रखेंगे। और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला मैसेज पढ़ते हैं। इसे भेजा है शिवम ने किशनगंज से। इन्होंने लिखा है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि कुछ शायराना अंदाज में इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। वो कहते हैं, हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम तो वो हैं जो दिल से याद करते हैं। आपको चाहे हमारी याद आए ना आए, पर हम तो आपको
हर पल याद करते हैं। क्या बात है शिवम, बहुत खूब। आपने जिस अंदाज में अपने दिल के जज्बात का इजहार किया है, मुझे यकीन है उन्हें जरूर पसंद आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो अगर अभी ये कार्यक्रम को देख रही है, शो को देख रही है, तो आपकी इस मोहब्बत को वो जरूर समझेगी। तो चलिए आपकी मोहब्बत के नाम सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। आपके जो एहसास है, आपके जो दिल की बात आज आपने कही हमारे शो में एक शायराना अंदाज में, तो एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहूँगी कि तुमने हमें भूल कर भी याद ना किया, कि तुमने हमें भूल कर भी याद ना किया, और हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। अरे घंटी, ओफो, ये घंटी हमें याद दिलाती है बार बार, टें टें बज बज के हमें ये याद दिलाती है कि यहाँ पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए एसएमएस दिल से। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो जिसे आप करते हैं दिल से प्यार। जी हाँ, आपके फेवरेट शो जिसका नाम है एसएमएस दिल से, यानी सो मीट सो। दर्शकों, आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर बाद मैं अनाउंस करने वाली हूँ
उस लकी विनर का नाम जिसका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक, और जिसे मिलेगा महुआ प्लस की तरफ से एक बेहतरीन इनाम। बस आपको करना होगा थोड़े ही समय का और इंतजार। आइए, लेकिन उससे पहले शो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मैसेज हमें बक्सर से भेजा है और भेजने वाले हैं चंद्रेश। इन्होंने लिखा है कि मैं कुछ दिन पहले बाइक से जा रहा था, अचानक बाइक पर सवार एक लड़का तेज रफ्तार से मेरी बगल से गुजरा। आगे कुछ दूर जाने पर मैंने देखा कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसे काफी चोट लगी है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम गाड़ी सही तरीके से और नियंत्रण के साथ चलाएं तो खुद भी दुर्घटना से बचेंगे और औरों को भी बचाएंगे। चंद्रेश, आज आपने एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है, इस मैसेज के लिए बहुत बहुत बधाई। तेज रफ्तार और बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना आज युवाओं में एक पैशन सा बन गया है, जो दुर्घटना को निमंत्रण देने का प्रमुख कारण भी है। वैसे भी देखा जाए तो आजकल ज्यादातर बाइक एक्सीडेंट जो है वो यूथ के साथ ही तो हो रहे हैं। चंद्रेश, मैं भी आपके साथ अपील करना चाहती हूँ कि बाइक चलाएं किंतु नियंत्रण में, और बिना हेलमेट के तो कतई ना चलाएं। नया नया प्लान बनी सुन मोरी जान, पूरा कारोबार मन सगरो, कहीं आयल जायल जाई, लिट्टी चोखा खाइल जाई, कोको कोला पियल जाई, रानी हो। हाँ, रोज नया नया प्लान बनी सुन मोरी जान, पूरा कारोबार मन सगरो, कहीं आयल जायल जाई, लिट्टी चोखा खाइल जाई, कोको कोला पियल जाई, रानी हो। ओह देखी नियर 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 मन हो खाता हरियर 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 मन कहे तो है गोदिया में ले ली तू मिली हाय तही डेली तू मिली हाय तही डेली तू मिली हाय तही डेली तू मिली हाय सोना सोना रूप जैसे जाड़ा वाली धूप चानी सगरो सरूप चमके हीरा हीरा तोहर नैन हाँ कोयल जस बैन ई लूटे हमर चैन मन के हाँ तोहर सोना सोना रूप जैसे जाड़ा वाली धूप चानी सगरो सरूप चमके हीरा हीरा तोहर नैन हाँ कोयल जस बैन ई लूटे हमर चैन मन के सुख तो से करब शेयर करब शेयर करब शेयर तोहर करब बड़ा केयर बड़ा केयर हाँ मन कहे तो है गोदिया में ले ली तू मिली हाय तही डेली तू मिली हाय तही डेली तू मिली हाय तही डेली तू मिली हाय तही डेली
चटक जवानी छेड़े चाल मस्तानी जैसे नदिया के पानी छलके खिले तोर हो सिंगार करे जिया बेकरार गोरी लूटे दला हर हमके हाँ तोरी चटक जवानी छेड़े चाल मस्तानी जैसे नदिया के पानी छलके खिले तोर हो सिंगार करे जिया बेकरार गोरी लूटे दला हर हमके कमन कमन आजा हियर लगाई थर्ड गियर मन कहे तोहे गोदिया में ले ली तू मिली हाँ सही डेली तू मिली हाँ सही डेली तू मिली हाँ सही डेली तू मिली हाँ सही डेली। दर्शकों ये जीवन कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है, फिर क्यों उसके साथ हम इतना खिलवाड़ करते हैं। और आपने भी कई जगह ही जरूर पढ़ा होगा कि धीरे चलाएं, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। वाकई में दर्शकों, अगर हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो अपनी स्पीड का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनकर चलाएं, स्पीड कंट्रोल में रखें। बाइक चला रहे हैं तो स्पीड कंट्रोल में रखें, साथ ही साथ हेलमेट पहनकर आप अपनी बाइक चलाएं ताकि होने वाली किसी भी दुर्घटना से आप बच सकें। और इससे हम कभी नहीं बच सकते, इसको बजना है तो बस बजना है। यानी ये हमें बार बार ये याद दिलाता है कि चलो भाई यहाँ पर एक थोड़ा सा चाय पानी का ब्रेक तो ले लो। कितना बोलोगी अंकिता, समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए SMS दिल से। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो SMS दिल से, यानी सोल मीट सोल। फ्रेंड्स, अब ये शो अपने आखिरी चरण में है, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद मैं अनाउंस करने वाली हूँ आखिर कौन है वो जिसका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक। यानी अब कहीं ना कहीं आपके दिल में भी धक-धक हो रही होगी, आखिर कौन है वो जिसका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक। कहीं वो मैं तो नहीं हूँ, ये बताऊंगी, थोड़ा सा सरप्राइज है। लेकिन उससे पहले यहाँ आज के शो का आखिरी मैसेज पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आखिर कौन है वो जिसे मिला है मैसेज ऑफ द वीक का किताब, और जिसका मैसेज बना है मैसेज ऑफ द वीक, और जिसने जीता है महुआ प्लस की तरफ से बेहतरीन इनाम। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। और ये मैसेज हमें भेजा है गाजीपुर से रीता ने। इन्होंने लिखा है कि मुझे एक लड़के से मोहब्बत थी, उसने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन वो बेवफा निकला। उसकी ज़िंदगी में अब कोई और आ गया है, मैं उससे नफरत करती हूँ लेकिन उसे भूल नहीं पाती। रीता, आपके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। इश्क में ऐसा ही तो होता है, इश्क में बेवफाई सज़ा बन जाती है, ज़िंदगी काटने को दौड़ती है, फिर भी मोहब्बत ये नहीं रुकती, हो ही जाती है। मैं आपसे ना बस यही कहूँगी कि जो हुआ उसे ख्वाब समझकर भूल जाइए, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। और आपके बेवफा आशिक से आपकी तरफ से बस यही कहना चाहूँगी कि जाते हो जहाँ दिल की किताबें ना मिलेंगी, फड़के छलकते हैं वो आँखें ना मिलेंगी, ताउम्र मोहब्बत के तलबगार रहोगे, चाहत से भरी प्यार की वो बाहें ना मिलेंगी। तो चलिए आपकी मोहब्बत के नाम सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। ख्वाब पूरा दे ओए रब्बा, जोड़ी
बिछड़ के जी ना सकेंगे, एक पल बिछड़ के जी ना सकेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। हर एक जान है तू, इश्क का शान है तू, हर एक जान है तू, इश्क का शान है तू, सीमा से आबाद करा दे कोई रब्बा, जोड़ी कामयाब बना दे कोई रब्बा। और अब मुझे पता है आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ उनका नाम, उस लकी विनर का नाम जिसको मिला है मैसेज ऑफ द वीक का किताब, जिसका दिल से भेजा गया मैसेज हमारे शो में बना है मैसेज ऑफ द वीक। जी हाँ, तो वो है गेस व्हाट, यस, श्रीना रांची से। श्रीना, अगर इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं तो आपसे कहना चाहूंगी बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको कि आपको मिला है मैसेज ऑफ द वीक का खिताब और अब आपको मिलता है महुआ प्लस की तरफ से एक बेहतरीन इनाम। दर्शकों, आप जानते हैं कि आपका मैसेज भी हो सकता है हमारे शो में मैसेज ऑफ द वीक। बस आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है, टाइप करना है SDS स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप करना है और उसको भेज देना है 5888 पर, यानी 58888 पर। तो दर्शकों, अब इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, पढ़ूंगी आपके दिल से भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेजेस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते ये खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए। उठवा से भोर के अवध किरणिया, उठवा से भोर के अवध किरणिया, कुसुमी ललैया मांगेला, रूप तोहार देखला के बाद चांद न सुनर लागेला, चांद न सुनर लागेला। पलक न झपके निहारत, गजब के सुर हो सिंगार बा, ओढ़नी में बापुर वैया समाइल, देह बसंती बहार बा, देह बसंती बहार बा, दोनों जहां बा दोनों नयन जहाँ बा दोनों नयन में, सुतलो पर भी जागेला, रूप तोहार देखला के बाद चांद न सुनर लागेला, चांद न सुनर लागेला।
मानुष जस लागे लभौहा बिंदिया सितारा समान बा रूप तुहार भगवान के दीहल बेस कीमती वरदान बा बेस कीमती वरदान बा केसिया से बदरी गजरा से रतिया केसिया से बदरी गजरा से रतिया आठों पहर अनुरागे ला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागेला चांद न सुनर लागेला दो दिल मिले तो फूल खिले और दिल से